नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति मंडला। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की तमाम खास खबरों पर नजर डालने का। यूपी में कांग्रेस पार्टी के भीतर घमासान जारी। निष्कासित नेताओं ने पार्टी के निर्णय पर जताया एतराज। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भाई और भतीजे को लेकर किया बड़ा ऐलान। लोकसभा चुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर दोनों के बारे में फैली भ्रामक बातें। अखिलेश ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना। बोले, संविधान की मूल भावना के साथ खिलवाड़ कर रही है भाजपा सरकार। कानपुर पहुंचे लद्दाख के उपराज्यपाल। BNSD शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज में आयोजित फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन में छात्र छात्राओं को किया संबोधित। लखनऊ में सुनी वक्फ बोर्ड की अहम बैठक। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले पर होगी चर्चा। अलीगढ़ में जिला प्रशासन NGT के आदेशों की उड़ा रहे धज्जियां। कूड़े में आग लगाकर प्रदूषण फैला रहे कर्मचारी। रामपुर में युवक ने शादी का झांसा देकर किशोरी के साथ किया बलात्कार। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने किया केस दर्ज। ललितपुर में टैक्सी और बोलेरो की भीषण टक्कर। हादसे में एक युवक की मौत, 12 लोग गंभीर रूप से घायल। बहराइच में DM ने जनता दरबार में लापरवाही बरतने वाले 71 अधिकारियों को किया डिफॉल्टर घोषित। DM ने 10 अधिकारियों का वेतन भी काटा। बहराइच में एक दरोगा की सड़क दुर्घटना में मौत। पुलिस ने दरोगा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बहराइच के केसरगंज में जलाई जा रही पराली। प्रशासन की सख्ती के बाद भी नहीं मान रहे किसान। बस्ती के जिला अस्पताल में बिना रिश्वत इलाज नहीं, अस्पताल की नर्स का रिश्वत लेते वीडियो वायरल। प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक ने दिए जांच के आदेश। कहा, दोषी नर्स के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। बस्ती के जनेऊ कांड पर राजनीति गरमाई। कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद ने भाजपा पर कसा तंज। बोले, योगी सरकार में अब जनेऊ भी तोड़े जाएंगे। लखनऊ में CM योगी ने गांधी जी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। मौके पर सरकार के कई मंत्री और अधिकारी रहे शामिल। उन्नाव में पोते ने बाबा का सपना किया पूरा। शादी के बाद दुल्हन को लेकर हेलीकॉप्टर से पहुंचा गांव। फरुखाबाद में DM ने विकास कार्यों को लेकर न्यायपालिका पर उठाए सवाल। गंदगी देख कर्मचारियों को लगाई फटकार। बाराबंकी में सफाई कर्मचारियों ने किया धरना प्रदर्शन। आक्रोशित कर्मचारियों ने अधिकारियों पर लगाया सैलरी हड़पने का आरोप। महाराजगंज के पुरंदरपुर थाना क्षेत्र में ओवरब्रिज के पास पलटी बस। घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। ग्रामीणों ने घायलों को कराया अस्पताल में भर्ती। वाराणसी में एक लड़की की उसकी प्रेमी ने गला घोट कर की हत्या। हत्या के बाद आरोपी फरार। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सुल्तानपुर में एक दरोगा को सरकार विरोधी पोस्ट करना पड़ा। भारी शिकायत के बाद SP ने दरोगा को किया सस्पेंड। बांदा में रोडवेज बस और ट्रक की जोरदार टक्कर। हादसे में 9 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा लोग घायल। कन्नौज में पुलिस ने फौजी हत्याकांड का किया खुलासा। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की थी पति की हत्या। पुलिस ने महिला और उसके साथी को किया गिरफ्तार। हत्या में प्रयोग हुआ तमंचा भी बरामद। वाराणसी में डेंगू का प्रकोप लगातार जारी। इसी क्रम में सपा पार्टी के पूर्व महासचिव ने DM से की मुलाकात। डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पूर्व महासचिव ने DM को सौंपा ज्ञापन। पूर्व महासचिव की मांग, स्कूलों में मच्छर मारने वाला केमिकल का हो छिड़काव। बाराबंकी में तेज रफ्तार कार को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलटी बस। हादसे में 14 लोग गंभीर रूप से घायल। संभल में आयात नगर थाना क्षेत्र में एक घर में लगी आग। भीषण आग की चपेट में आए आस पड़ोस के कई घर। आग की चपेट में आने से एक पशु की जलकर मौत। ग्रामीणों ने दमकल विभाग को दी सूचना, लेकिन सूचना पर नहीं पहुंची दमकल विभाग की गाड़ी। हापुड़ में कुछ दबंगों ने पूर्व प्रधान के पति की गोली मारकर की हत्या। सूचना पर भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे आला अधिकारी। जांच में जुटी पुलिस। मामले में कुछ संदिग्धों को पुलिस ने लिया हिरासत में, पूछताछ जारी। बाराबंकी में CST परिसर में दवाओं की खेप जलाने के मामले में DM ने CMO को दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच के दिया आदेश।